हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी श्वेता की देसी किचन में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नाश्ता लाई हूँ जो आपका मिनटों में ही बन के तैयार हो जाएगा। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी नाश्ते के रूप में दे सकते हैं। जैसे बच्चे रोज़ पराठा पूड़ी नहीं खाते हैं, तो उनको ये सॉस के साथ खाने में बहुत अच्छा लगेगा। कोई गेस्ट आ जाए तो उनके लिए भी आप ये बना सकते हैं, और बहुत जल्दी ही बन जाता है। बस थोड़ा सा अगर सामान आपका रेडी है तो मिनटों में ही बन के तैयार हो जाता है। चलिए मैं इसकी आपको रेसिपी शेयर करती हूँ, क्या क्या मैंने इसमें यूज किया है। सबसे पहले मैंने एक कटोरी सूजी ली है, ये मैंने बारीक सूजी ली है। अगर आपके पास बड़ी सूजी है तो उसको मिक्सी में पीस लीजिएगा तो बारीक हो जाएगी। और 2 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो इसको मैदा भी गेहूं के आटे की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों के लिए बनाया है इसलिए मैंने इसमें गेहूं का आटा यूज़ किया है, क्योंकि नुकसान करता है मैदा, इसलिए मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ। मैंने इसमें नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और इसमें मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं, और 2 चम्मच मैंने तेल डाला है मोहन के लिए। अगर आपको सफ़ेद तिल पसंद नहीं है तो काली कलौची जो बोलते हैं, काला जीरा, वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है खाने में। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। मिलाने के बाद फिर हम एक सॉफ्ट सा आटा गूँदेंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून तक सफ़ेद तिल डाला है। आप चाहें तो इसमें और भी कोई मसाला ऊपर से ऐड करना चाहते हैं आटे में, चाट मसाला वगैरह, तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आटे में नहीं डाला है, मैं इसमें मसाले में डालूंगी तो वो टेस्ट उसमें आ जाएगा। इसलिए मैंने आटा सिर्फ नमक, मोहन और काला तिल डाल के डाला है। जैसे कि मैंने बताया, आपको तिल पसंद नहीं है तो उसकी जगह आप काला जीरा भी डाल सकते हैं, वो भी खाने में अच्छा लगता है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल डाल के मैं एक सॉफ्ट सा आटा गूंथ लूँगी, और इसको मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए भी रख दूँगी साइड में। पहले मैं इसका सॉफ्ट सा आटा गूंथ लेती हूँ, और ये आटा देखिए मेरा तैयार हो गया। मैंने ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट किया है, मीडियम साइज़ रखा है, क्योंकि अभी सूजी डली है तो ये फूलेगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर से ही तेल लगा देती हूँ और ढक के रख देती हूँ। मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही लगेगा ढक के, तब तक हम मसाला अपना तैयार कर लेंगे। ये मैंने इसमें 1 कटोरी मूँगफली ली है, 2 लाल मिर्ची खड़ी हुई डाली है, जीरा डाला 1 टेबल स्पून, और 1 बड़ी टेबल स्पून साबुत धनिया डालूँगी इसमें, क्योंकि धनिया का ही टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ी सी सौंफ डालूँगी। अब इन सारे मसालों को मैं अच्छे से रोस्ट करूँगी, भूंज लूँगी, और भूंजने के बाद फिर इनका मैं पीस के एक पेस्ट बना लूँगी। ये मसाला आप चाहे तो इसमें हम डाल रहे हैं, अगर आप ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो कोई भी सूखी सब्ज़ी आप बनाते हैं तो उसमें भी आप बना के यूज कीजिए, तो बहुत टेस्टी लगता है। जैसे आलू की सब्ज़ी आप बच्चों के लंच बॉक्स में देते हैं तो ये मसाला डाल के बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं उसकी भी आपको एक बार रेसिपी शेयर कर दूँगी कैसे हम बनाते हैं। मैंने वैसे आलू की रेसिपी मसाले के साथ शेयर की हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कीजिएगा तो उसमें आपको मिलेंगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आपके ही सपोर्ट से मैं आगे बढ़ पाऊँगी। ये मैंने फिर 4 आलू लिए हैं, उसको मैंने मसाले को ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया था। ये 4 आलू लिए हैं तो मैं इसको सॉफ्ट गूंद लेती हूँ। फिर इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, लाल मिर्च, हरी मिर्ची थोड़ी सी डाली थी, और इसमें मैंने आमचूर पाउडर डाला है और चाट मसाला डाला है। आप चाहें तो ऊपर से लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने ज़्यादा तीखा नहीं रखा है, तो इसलिए मैंने 2 साबुत खड़ी मिर्च डाली थी तो उतना ही मैंने डाला है। और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। ये मसाले आपके जो ये बन रहे हैं, क्योंकि ये तेल में फ्राई हो जाएंगे, इसलिए आपका 15 से 20 दिन तक भी ये नाश्ता आप फ्रिज में रख के यूज़ करेंगे तो ख़राब नहीं होगा। अब इसमें मैंने वही मसाला डाल दिया जो मैंने पीसा था। आपको अगर ज़्यादा लग रहा है मसाला तो थोड़ा कम करके डालिएगा, लेकिन मैंने जो इतना बनाया था वो डाल दिया था सारा, क्योंकि मसाले का ही इसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। मैंने 1 आलू और ले लिया था, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था आटे के अकॉर्डिंग, तो मैंने 1 आलू और ले लिया था, इसी में मिक्स कर लिया था। आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, पुदीना का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो था नहीं मेरे पास इसलिए मैंने नहीं डाला है, उसको मैंने गूंथ के साइड रख दिया था। फिर मैंने 1 कटोरी में सफ़ेद तिल लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, हरी धनिया ली है, और थोड़ा सा मैंने नमक डाला था साइड में।
नमक मैंने इसलिए डाला कि ऊपर से जो परत आएगी तो उसमें टेस्ट सही रहे। इसमें मैं कैप्चर करना भूल गई थी, और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका पतला सा घोल बना के तैयार कर लिया है। अब इसको मैं साइड में रख के मैं आटे का आपको बताती हूँ कैसे मैं आटा अभी तक हो गया होगा। देखिए ये भी घोल रेडी है, अब मैं इसको ना साइड कर देती हूँ। अब मैंने वो जो आटा रखा हुआ था उसको मैं अच्छे से एक बार गूंथ लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसका डो बना के तैयार करती हूँ। इसके लमसम 3 डो बन के तैयार होंगे। आपको अगर ज़्यादा बड़े लग रहे हो तो थोड़ा छोटा साइज कर लीजिएगा। मैंने इसके बड़े बड़े 3 रोल बना दिए थे। अब इसको मैं अंडे के आकार में सर्कल में, इसका गोल सर्कल नहीं बनाएंगे, लंबा सर्कल बना के रोटी पतली सी बेल लेंगे। ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो, क्योंकि आलू भरेगा तो फटने का डर रहता है। सूखा आटा डाल के मैं इसको अभी बेल लेती हूँ। आप ज़्यादा मोटा मत रखिएगा, मोटा रहेगा तो वो अंदर तक सिकेगा नहीं, इसलिए ना ज़्यादा पतला हो कि वो आलू डालते ही फट जाए, तो उस हिसाब से आपको रखना है। अभी मैं इसको चारों अच्छे से बेल ले रही हूँ। आप ऐसे ही मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं शेयर करूँगी। अभी मैं आपको, मेरा नया ही चैनल है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके पास और भी अच्छी वीडियो आएंगी आपके देखने के लिए। और जो बेसिक खाना बनता है मैं वही आपको शेयर करती हूँ, कोई हाई फाई नाश्ता जो घर में अवेलेबल चीज़ों से ही बन जाए वही चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा ये बन के तैयार हो गया है, और ना ये ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है। अब इसमें मैं आलू फैला लूँगी। ये आलू जो फैलाना है हमें पूरे पूरा रोटी में फैलाना है चारों तरफ, ये कहीं भी रह ना जाए, इसीलिए मैं इसको चारों तरफ से फैला रही हूँ। आप इसको अच्छे से पतला पतला पूरी रोटी में फैला लीजिएगा, इतना फैलाइएगा कि पूरे में आ जाए। इसीलिए मैं आलू थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है कि उसमें कम ना पड़े। अगर आटा बच भी गया, आलू मसाला कम पड़ गया, तो आप उसको साइड में रख दीजिए, तो कोई इशू नहीं है। ये तो आटा आप नॉर्मल पराठा भी बना के खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखिए ये आप चारों तरफ इसको अच्छे से, इसलिए मैं हाथ से फैला रही हूँ, आप चम्मच से भी फैला सकते हैं। हाथ से अंदाज़ा रहता है कि कहाँ पे कितना मोटा है कितना पतला है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग उसको फैला रही हूँ। ये चारों तरफ फैल गया है। अब इसको मैं अच्छे से फोल्ड करूँगी, जहाँ रह गया है वहाँ मैं और थोड़ा सा आलू लगा के फैला दूँगी कि कहीं भी साइड में भी रह ना जाए। जो साइड आपको दिख रही होगी ना ब्लैंक, क्योंकि वो मोड़ने में आएगी, इसलिए मैंने उधर किनारे पे नहीं लगाया, थोड़ा चिपकना भी ज़रूरी है, इसीलिए मैंने वहाँ पे साइड में नहीं लगाया। अब इसको लंबाई में ही हमें फोल्ड करना है, मोड़ना है, जैसे रोल करते हैं ना, रोल करके इसको अच्छे से हमें मोड़ लेना है। लंबाई में ही मोड़ना है क्योंकि हमें इसका लंबा शेप चाहिए, इसीलिए मैं उसी अकॉर्डिंग इसमें शेप दे रही हूँ। मुझे लग रहा था यहाँ थोड़ा खाली है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आलू और यहाँ पे लगा दिया था कि फिलिंग जब हम खाएं ना तो मुंह में फिलिंग अच्छे से आए, ऐसा ना हो कि कहीं बस आटे का ही टेस्ट आ रहा है, आलू मसाले का कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए चारों तरफ मैं इसको लगा के फैला रही हूँ। ये देखिए मैं इसको बहुत धीरे हाथों से इसको रोल बनाती जा रही हूँ, चारों तरफ रोल बन गया है। अब इसको बस थोड़ा सा ऐसे लंबाई में हम हाथ फिरा देते हैं, और जो किनारे पे है ना उसको थोड़ा मोड़ दीजिएगा, जो साइड बाय साइड किनारा है ना उसको आपको मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो खुल जाएगा तो आलू निकलने का डर रहेगा। और उसके बाद उस किनारे को साइड निकाल के, क्योंकि आटा रहेगा तो निकाल के इसको साइड कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम इसको काट लिया है मैंने चाकू से, इसी तरह मैं सारा काट दूंगी और एक उंगली की सहायता से इसको दबाती जाऊंगी। आप अपने अंदाज से मोटा पतला जैसे आपको साइज रखना है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने काटा था वो साइज परफेक्ट था, क्योंकि ना ज़्यादा मोटा था ना, और इसमें सेकने में भी सही आ रहा था, इसीलिए मैं उस हिसाब से इसको काटा है। अभी देखिए ये सारे मेरे कट गए हैं। अब मैं इसको उठा के हाथ में रख के थोड़ा सा दबा दूंगी कि ये थोड़ा चपटा हो जाए, सेकने में ये अंदर तक सिक जाए, इसीलिए मैं इसके सारे को इसी तरह से थोड़ा दबाते हुए, जैसे पेड़ा बनाते हैं ना उस तरह से हम दबा देंगे उंगली की सहायता से। अब इसे आप चाहें तो ऐसे भी सेक सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए दबा रही हूँ ना कि आलू ऐसे निकल ना जाए, क्योंकि हम उस तेल में डालेंगे तो वो आलू निकलने का डर रहता है।
ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता लगता है, और इसका जो कुरकुरापन रहता है पापड़ी का, तो वो बहुत अच्छा आता है इस तरीके से बनाने में। बनाने का तो बहुत तरह की सेप बन जाती है, लेकिन आप इस तरीके की सेप देंगे ना, तो ये जल्दी भी बन जाती है और टाइम भी नहीं लगता है और टेस्टी भी लगता है। सेप तो आप समोसे की टाइप की भी छोटी छोटी सेप दे के बना सकते हैं चारों तरफ से मोड़ के। ये देखिए मेरे सारे ये रेडी हो गए हैं, इसी तरह मैं बाकी बचे हुए भी बना लूँगी। और इसको फिर मैं एक कढ़ाई में, आप इसको सेल्फ फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके का कर सकते हैं। मैं इसको अभी सेल्फ फ्राई ही करूँगी। तो मैं इसको कढ़ाई में तेल डाल लेती हूँ, ये मैंने तेल डाल दिया, और जो बेसन का हमने डिप तैयार किया हुआ था उसमें डुबो के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये चारों मैंने सारे पीस इसमें डाल दिए हैं, और इसको हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है, क्योंकि ये धीमी आंच में सिकने वाला चीज़ है, क्योंकि हम तेज़ में करेंगे तो अंदर ये कच्चा रह जाएगा, ऊपर ऊपर से पक जाएगा, इसीलिए हम इसको अंदर तक अच्छे से सेकेंगे। पहले मैं इसको सारी चीज़ों को डाल लेती हूँ, आप उतना डालिए जितना आपका आ सकता है एक कढ़ाई में। मैं इसको सैरो फ्राई कर रही हूँ इसलिए मैं सारे डालते जा रही हूँ। डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा तेल ज़्यादा भर जाता है, सैरो फ्राई में ये होता है थोड़ा कम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाला है। अब ये मेरे सारे डाल रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा ऐसे पकने दूंगी, उसके बाद मैं इसको पलट अल्ट करके अच्छे से सिकाई कर लूँगी। ये आप थोड़ा मतलब ज़्यादा बड़ी कलछुली मत लीजिए, क्योंकि ये फटने का डर रहता है, आलू भरा हुआ है तो मसाला निकलने का डर रहता है, इसलिए मैं छोटी स्पून से ही इसको पलटने की कोशिश कर रही हूँ कि सारे पलट जाएं। और इसको ऐसे ही अच्छे से पलटना है धीरे से, और आँच को आप धीमी ही रखना है, तेज़ फुल आँच में करेंगे तो सारे ऊपर से तो सिक जाएंगे, लेकिन अंदर से जो आटा रहेगा ना वो कच्चा रहेगा, इसलिए इसको धीमे आँच में ही आपको सेकना है। अगर आपकी गैस ज़्यादा धीमे जलती है तो आप मीडियम गैस कर लीजिए, तो उसमें सेकिएगा। ये देखिए ये जो हमारे हैं ये मैंने पलट दिए, आप देख रहे होंगे इस तरफ से थोड़ा सा हल्का सा गुलाबीपन आ गया है। ये देखिए मेरे सारे अच्छे से गुलाबी हो गए हैं, मैंने इनको अच्छे से भी सेक लिया है, बस एक मिनट और ये रहेंगे और इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। आप इसको चटनी से, सॉस के साथ, चाय के साथ, किसी भी तरह से खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी लगने वाला ये नाश्ता है। आप कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनको सर्व कीजिए, उनको भी बहुत पसंद आएगा, वो आपको बार बार बोलेंगे ऐसा नाश्ता बनाने के लिए। आप चाहें तो गेहूं की, जैसे मैंने बताया गेहूं की जगह आप मैदा का भी यूज़ करेंगे तो वो भी टेस्टी लगता है। ये आपका बन के तैयार है, आप बच्चों के लंच बॉक्स में, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट के लिए या चाय के टाइम के लिए देना चाहें तो आप दे सकते हैं, तो चाय के साथ उनको बहुत टेस्टी लगने वाला है। आपको भी समझ में नहीं आता रोज़ रोज़ क्या नाश्ते में खाएं, तो इसको भी आप खा सकते हैं चाय के साथ। अब इन सबको हम निकाल लेंगे, ये अब रेडी हैं सर्व करने के लिए, और इसको अभी हम एक प्लेट में निकाल के सर्व करने के लिए तैयार करते हैं। ये आगे फिर मैं एक और नई वीडियो के साथ आपको मिलूंगी, ऐसे ही मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए मैं करती हूँ आपको बाय बाय, फिर मिलती हूँ नए एक नाश्ते के साथ या एक नई रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय।